हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बड़े मजे में होंगे क्योंकि रिजल्ट आ गया है और आप लोग बहुत ही एक्साइटेड हो कि काउंसलिंग की डेट कब आएगी और कब हम स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बॉर्डर लाइन पर है और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है और जो बच्चे बहुत ही वरीड है कि हम लोगों ने क्वालिफाइंग तो कर लिया है लेकिन अब हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो क्या आपको ऐसा लगता है बेटा कि नीट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल एग्जाम है और इसके अंदर आप क्रैक कर ही नहीं पाओगे? तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आप अब भी स्टार्ट करते हो तो भी मैं आपको गारंटी देती हूँ आपके 680 प्लस नीट के अंदर आएंगे, लेकिन अगर आप सही स्ट्रेटेजी का यूज करो तो। क्योंकि क्या होता है, बच्चे ना ये क्लेम करते हैं, काफी सारे बच्चे इस तरफ शो ऑफ करते हैं, हम 10 घंटे पढ़े, देखो हमने टाइम टेबल बना लिया है, देखो हमने यहाँ टाइम टेबल लगा लिया है। तो इन सारी चीजों से बेटा नीट क्लियर नहीं होता। और ज्यादा से ज्यादा टाइम आप लोग क्या करते हो बेटा, सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हो, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है क्योंकि इसकी एडिक्शन लगती जा रही है। और एक बार अगर वीडियो स्क्रॉल करने लगते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कब ये 10, 20, 30, 40 वीडियोस आप देख रहे हो और कब आपके 1 से 2 घंटे वेस्ट हो गए हैं। तो बेटा यहां हम इन्हीं सारी चीजों का जिक्र करते हुए और अपनी स्ट्रेटेजी बताएंगे, क्या नीट 2023 क्रैक करना इजी है? तो यस बच्चों, इजी है अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करो। ठीक है, अगर इजी नहीं होता तो हमारे देश में इतने सारे डॉक्टर्स नहीं होते। जिस बच्चे की फर्स्ट रैंक आई है या जो बच्चा 22, 23, 24 रैंक लाया है, उन बच्चों को कोई स्पेशल पंख नहीं लगे हुए हैं या भगवान ने उनको कोई बहुत बड़ा वाला ब्रेन बॉक्स नहीं दिया है कि क्रेनियम उनका बड़ा है इस वजह से भैया वो लोग तो आ रहे हैं और हम लोगों का क्रेनियम छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों, आप सभी लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, उनके मॉड्यूल पढ़े, आप सब लोग एनसीईआरटी भी पढ़ते हो, आप सब क्वेश्चंस भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है कि उनकी टॉप 1 रैंक आ रही है, 2 रैंक आ रही है, 20 आ रही है, 30 आ रही है, 650, 620 आ रहे हैं, लेकिन आपके 200, 250 पे आके आप रुक रहे हो? कहीं तो कुछ ना लैकिंग है ना बेटा। तो आज हम उसी लैकिंग का जिक्र करेंगे बेटा। फर्स्ट स्टेप, जो पहला आप लोगों के अंदर कमी है वो है कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी। ठीक है, क्या करते हो बेटा, आप कोई मोटिवेशन वीडियो देखा या किसी से आपने बात की, भैया आपके अंदर आ गया जोश, आपने 2 दिन पढ़ा 10 से 12 घंटे, तीसरे दिन फुस। ठीक है, तो ये जो कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी की कमी है बेटा, ये पहला कारण है आपका नीट क्लियर नहीं होने का। तो सबसे इंपॉर्टेंट, 5 से 6 घंटे पढ़ो, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उतना पढ़ो, खींचो मत, क्योंकि अगर आप खींचोगे तो आप 2 या 3 दिन उसको कंप्लीट करोगे, तीसरे दिन बच्चों नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी। अगर हमने 6 घंटा अपना बनाया है तो कोशिश करो कि 6 घंटे पढ़ोगे, क्योंकि 7 दिन अगर आप 6 घंटे पढ़ते हो तो 42 आवर्स होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आप चीज डेली पढ़ रहे हो तो डेली आपके ब्रेन के अंदर जा रही है। ठीक है, और 2 दिन आप पढ़ के और 10 दिन आप नहीं पढ़ते हो तो वो सब 0 है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी। सेकेंड, बी स्पेसिफिक। बी स्पेसिफिक से मेरा मतलब है, आप लोग क्या सोचते हो कि वो टॉपर है या वो इंटेलिजेंट है या वो टीचर हमें यूट्यूब पे फ्री नोट्स दे रहा है, इस चैनल पे भी मिल रहे हैं, उस चैनल पे भी, उस चैनल पर भी, जल्दी जल्दी जाओ सबके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, फ्री PDF डाउनलोड करो। ठीक है, या फिर वो जो आपको चैनल्स भी क्वेश्चंस करा रहे हैं बस वो क्वेश्चंस करो, ऐसा नहीं करना है बच्चों। बी स्पेसिफिक, आप सब लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर चुके हैं, सबके पास मॉड्यूल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले कोई जरूरत नहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की, सेल्फ स्टडी। जितनी आप सेल्फ स्टडी करोगे उतने आप अपने लक्ष्य के पास पहुंचोगे। सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो यूट्यूब पे आपको फ्री वीडियोस और फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है। यूट्यूब पे जस्ट उस टॉपिक का नाम डालो, पढ़ो, क्लियर करो, दैट्स इट, उसको हटा दो, ये नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, बी स्पेसिफिक, एक टीचर को फॉलो करो। सभी टीचर अच्छे होते हैं बेटा, कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। अब आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ, गुरु द्रोणाचार्य कितने महान टीचर रहे। ठीक है, उन्होंने अर्जुन को भी पढ़ाया, उन्होंने दुर्योधन को भी पढ़ाया, लेकिन अर्जुन ने अलग डायरेक्शन में काम किया, दुर्योधन ने अलग डायरेक्शन में काम किया, टीचर वही थे, सेम क्लास थी, सेम लेक्चर देते थे। ठीक है, तो कोई भी टीचर अगर आप सोचते हो कि ये ज्यादा अच्छा है, ये कम अच्छा है, नहीं, जिस टीचर के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, जिस टीचर का आपको समझ में आता है, आप उस टीचर को फॉलो करो। ठीक है, कोई जरूरत नहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसा देने की बेटा। हाँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो बेटा। टेस्ट सीरीज से क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितना, मतलब आपकी पोजीशन कहाँ आ रही है और आप कहाँ लैग कर रहे हो। ठीक है, थर्ड, एनसीईआरटी सभी पढ़ते हैं, लेकिन कैसे पढ़ना है। ठीक है,
आपने एनसीईआरटी न्यूज़पेपर की तरह पढ़ डाली। ठीक है, एनसीईआरटी अगर आप न्यूज़पेपर की तरह पढ़ोगे, आपने उसको 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लिया एक लेक्चर को, आपने कहा भैया मैंने तो 20 बार पढ़ ली, अपने पेरेंट्स को भी दिखा रहा है, पापा मैंने 20 टाइम्स पढ़ ली है, मेरा तो इस बार जरूर होगा। ऐसा नहीं होता बेटा। जब आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हो बेटा, एक ही लाइन को, जब आप एक लाइन को पढ़ोगे तो उस लाइन को अगर कोई भी मुश्किल वर्ड है, कुछ भी, इज, एम, आर, वो भी समझना है आपको। इसके अलावा कोई और भी वर्ड है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डिक्शनरी में देखो, रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो। ठीक है, उसके बाद उस लाइन को पढ़ने के बाद सोचो, ब्रेन आपके स्टॉर्म करो कि इस लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या एसर्शन टाइप क्वेश्चन बन सकता है, क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, और सिंपल क्वेश्चन कैसा आ सकता है। जब आप लाइन में से क्वेश्चंस बना के अपने आप को आंसर दोगे, एक ही लाइन में से आप 5 से 6 क्वेश्चंस बना लोगे कि इस तरीके से आया इस लाइन में से क्वेश्चन तो क्या आंसर देना है, इस तरीके से आया तो क्या आंसर देना है, तो मैं गारंटी देती हूँ बेटा, अगर आप ऐसे पढ़ोगे, हो सकता है आपको 5 से 6 घंटे लग जाएं एक चैप्टर पढ़ने में, जो अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो बायो में कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, यू आर एबल टू क्रैक इट, और आप बायो चुटकियों में कर लोगे बेटा। क्योंकि साइकोलॉजिकल स्टडी के अनुसार जब आप पहली बार किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो या पहली बार कोई भी चीज पढ़ते हो तो वो ब्रेन के अंदर ज्यादा घुसती है, ब्रेन की सेल्स उसको ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि जब आप दोबारा उसको रिविजन वे में पढ़ते हो तो ब्रेन कहता है ऑलरेडी आता है। ठीक है, तो आप बहुत सारी चीजें स्किप भी कर जाते हो, तो पहली बार में ही आपको एनसीईआरटी ऐसे पढ़नी है बेटा जैसे बाइबल, जैसे आप श्लोक याद कर रहे हो, उसका एक एक मीनिंग का मतलब समझ रहे हो, उसके रियल लाइफ एग्जाम्पल कर रहे हो। और जैसे ही आपका ये टॉपिक खत्म होगा, आपका चैप्टर खत्म होगा, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन कर सकते हो करो, बट क्वालिटी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है वहां पे करवा रहे हैं भैया हमें तो, हम वो 8 से 9 का वो सेशन ज्वाइन कर लेते हैं, 9 से 10 का नहीं। एक बुक रखो, अच्छी बुक रखो, एमटीजी की जो आ रही है, एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, उसके अच्छे अच्छे खासे रिव्यूज है और वो अच्छी खासी बुक है, मैंने पर्सनली उसको पढ़ा है तो वो बहुत ही अच्छी बुक है, तो आप उसकी वो बुक रखो, या फिर आपके पास जो टेस्ट सीरीज भी होगी आप उसके क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स जो है उसके करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर अपने पास रखो बेटा, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप करो, तो आपको पता चलेगा कौन सा एरिया इस चैप्टर का स्ट्रांग है और कौन सा एरिया वीक है, कहाँ क्वेश्चंस गलत आ रहे हैं, जो एरिया वीक है उसको फिर दोबारा पढ़ो, फिर दोबारा करो। दिक्कत आती है, YouTube खोलो, वीडियोस चलाओ, उससे रिलेटेड वीडियो देखो, सिर्फ उसी टीचर के जिसे आप फॉलो कर रहे हो, उसके बाद YouTube को बंद कर दो। ऐसा नहीं है ये मोटिवेशन वीडियो देखा, वो मोटिवेशन वीडियो देखा, बेटा ये सब फालतू की चीजें हैं, इनसे दूर रहो। ठीक है, जब आप पढ़ रहे हो तो फोन आपका स्विच ऑफ होना चाहिए, फोन आपका साइड में होना चाहिए, एंटरटेन करो अपने आप को, टीवी देखो, दोस्तों से बात करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, एंटरटेन करो अपने आप को, बहुत जरूरी है। लेकिन डिस्ट्रैक्शन बेटा बहुत खराब है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये बेटा मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं जिससे आप नीट 2023 को इजिली क्रैक कर सकते हो, और मैं बैट लगाती हूँ बेटा जो इन स्टेप्स को फॉलो करेगा वो इजिली क्रैक कर सकता है। इसके साथ ही बेटा मैंने बायोलॉजी का कोर्स शुरू किया है जिसमें मैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ाती हूँ और उसका मतलब बताती हूँ, तो कोई भी अगर आपको मुश्किल टॉपिक लग रहा है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बहुत ही इजी वे में वो टॉपिक एनसीईआरटी में से लाइन बाय लाइन पढ़ाती हूँ। कोई भी यूट्यूब पे एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाता है, वो सिर्फ ट्रिक्स बताते हैं, ट्रिक्स से काम नहीं चलेगा, थोरो स्टडी करनी पड़ेगी। तो बेटा मैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ाती हूँ, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो मेरे वीडियोज को देख लीजिए बेटा, आपको अच्छा लगता है तो फॉलो करो, नहीं अच्छा लगता तो मत करो। ठीक है, तो और टेक केयर बेटा, और आप लोगों को ऑल द बेस्ट की नीट काउंसलिंग के लिए, और जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे मैं बताती जाऊंगी। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर लाइफ।